देखिए मैं इस वक्त मुंब्रा स्टेशन के बाहर हूँ। जिस तरीके से जो एसी लोकल ट्रेन का जो दिक्कत है वो लगातार बढ़ते रहा, उसके ऊपर का जो प्रभाव है वो प्रवासियों में लगातार बढ़ते रहा, जिसका प्रभाव हमने बदलापुर स्टेशन में देखा, कलवा स्टेशन पे देखा, और उसके बाद से आप देख सकते हैं जो गृह निर्माण मंत्री, पूर्व गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने एक कलवा में बैठक बुलाई गई थी, प्रवासियों से बात की थी और प्रवासियों से उनके बातचीत करने के बाद उन्होंने एक फैसला निकालने की कोशिश की। तो लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं आज फिर से मुंब्रा में उसी की बैठक की शुरुआत होने जा रही है, और यहाँ पे जो आप पुलिस बल देख सकते हैं वो सुरक्षा बल जो कि बढ़ा दिया गया, किसी की तरह का आपघात ना हो इसको देखते हुए जो पुलिस सुरक्षा बल है वो बढ़ा दिया गया। और मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हो जो लोगों की जो प्रवासियों के आने जाने जो कि स्टार्ट हो चुका है, और जो ज़्यादा मात्रा में जो यात्री है वो आने शुरू हो गए, क्योंकि इस बैठक का निर्णय ये होने वाला है कि एसी ट्रेन की जो दिक्कत है वो क्या होगी, क्योंकि एसी ट्रेन की वजह से जो आने जाने वाले लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो पीक आवर्स में जो अधिकतर एसी ट्रेन चलाई जाती है उसके ऊपर से उनको ऑफिसेज में जाने के लिए लेट हो जाते हैं, तो उसके बाद से ये देखना हमें पड़ता है क्योंकि एसी ट्रेन की वजह से जो दिक्कतों का सामना है वो कब क्या के कम होता है, उसको लेकर जो एनसीपी पार्टी के जो मंत्री है वो लगातार उसके ऊपर जो अपना जो प्रभाव डाल रहे हैं, और जो गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने लगातार प्रवासियों से जो बातचीत की वो शुरू कर दी, लेकिन आज फिर से वो मुंब्रा में उनसे बातचीत करेंगे और बैठक बुलाई, इसमें यह देखना जरूर कि ये बातचीत में क्या फैसला निकलता है। फिलहाल मैं विशाल जायसवाल मेट्रो मुंबई न्यूज़ के लिए।